बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जितना आपके पास है उससे कम दिखाओ, जितना आप जानते हो उससे कम बोलो। जिंदगी का अलमिया ये भी है कि इंसान को किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने हाथों अजियत मिलती है। वो जो औरत की ख्वाहिश के रुख को कुव्वत से बदलना चाहते हैं बेवकूफ हैं। आप इस बात का फैसला करना छोड़ क्यों नहीं देते कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। खुदा ने अपने फैसलों में आपकी राय तलब ही कब की है। अगर आपका इखलाक अच्छा है इसका मतलब आपका खानदान अच्छा है। अगर आपकी आदत अच्छी है इसका मतलब आपका दोस्त अच्छा है। लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा है तो इसका मतलब आपका उस्ताद यानी आपका रहबर अच्छा है। गरीब से अकड़कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। पेट में गया जहर एक की जान लेता है, मगर कान में गया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। इसलिए कान के कच्चे मत बनो वरना बहुत पछताओगे। इख्तलाफ और चीज है, तनकीद और चीज है, और तजलील और चीज है। इख्तलाफ का हक हर किसी को है मगर तनकीद का हक हर किसी को नहीं है, और तजलील का हक तो किसी को भी नहीं। इसलिए बात करने से पहले सोच लिया करें कि ये इख्तलाफ है, तनकीद है या तजलील। शोर और शऊर के दरमियान एक ऐन का फर्क है, और पता है ये ऐन क्या है? ये ऐन इल्म है।